दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुका है और सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उन 10 बड़े खिलाड़ियों की जिनकी उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है, और आपको ये 10 बड़े खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में अंडर द हैमर बिकते हुए नजर आएंगे। तो कौन से वो 10 प्लेयर है एक एक करके आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर दिया है, और एक बहुत बड़ी खबर आई है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ये माना जा रहा था कि कुछ टाइम पहले तक दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी ऋषभ पंत ही करेंगे, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि अब आपको ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पहला बड़ा खिलाड़ी जो आपको आईपीएल ऑक्शन में नजर आएगा जो रिलीज हो गया है वो है ऋषभ पंत। नंबर 2 पे बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उन्होंने अपने कप्तान केएल राहुल को रिलीज कर दिया है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज किया और अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अपने कप्तान बड़े खिलाड़ी धमाकेदार खिलाड़ी केएल राहुल को रिलीज कर दिया। और केएल राहुल का भी ऑक्शन में आना बताता है कि इस बार ऑक्शन में बहुत मजा आने वाला है। नंबर 3 पे बात करें, जो नंबर 3 है वो भी कप्तान है और वो तो चैंपियन बनाने वाले कप्तान है, और उस चैंपियन बनाने वाले कप्तान का नाम है श्रेयस अय्यर। केकेआर को चैंपियन बनाया, लेकिन केकेआर ने अगले ही सीजन के लिए उनको अपनी टीम से हटा दिया। जी हां, श्रेयस अय्यर उम्मीद थी कि केकेआर के तरफ से एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की केकेआर से राहें जुदा हो चुकी है और अब आपको श्रेयस अय्यर भी आईपीएल ऑक्शन में नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को रिलीज कर दिया। जी हां, ईशान किशन को 2-3 सीजन पहले तकरीबन 14 से 15 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने लिया था, लेकिन बड़े खिलाड़ियों का जो उनके स्टार प्लेयर है उनको रखने के चक्कर में ईशान किशन की कुर्बानी फिलहाल उनको देनी पड़ी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आरटीएम का यूज करके आईपीएल ऑक्शन में वो खरीद लेंगे, लेकिन फिलहाल ईशान किशन भी मुझे अलग होते हुए नजर आ चुके हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो गुजरात टाइटंस ने अपने जो स्टार गेंदबाज है मोहम्मद शमी उनको टीम से रिलीज कर दिया है, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक मोहम्मद शमी ने कोई भी मैच नहीं खेला है। अभी वो इंजर्ड चल रहे हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस नहीं चाहती है कि मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जाए, उनके ऊपर सवाल लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस ने भी मोहम्मद शमी को रिलीज कर दिया है। साथ ही वाशिंगटन सुंदर, जी हाँ, वाशिंगटन सुंदर भी आपको आईपीएल में इस बार ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन में वाशिंगटन सुंदर भी हमें नजर आएंगे। साथ ही आर अश्विन, जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने आर अश्विन को भी जाने दिया है। देखिए, वैसे भी आर अश्विन का जो परफॉर्मेंस है वो T20 में कोई बहुत ज्यादा खास रहता नहीं, इंडियन टीम का वो हिस्सा है नहीं, और ऐसे में मुझे लग रहा था कि आर अश्विन का रिलीज होना कंफर्म था, लेकिन अब वो आर अश्विन आपको ऑक्शन में नजर आते हुए आएंगे। युजवेंद्र चहल स्टार गेंदबाज आरसीबी के लिए अच्छा किया, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी अच्छा किया, लेकिन कई बार लगता है कि युजवेंद्र चहल की भी दिक्कत हुई और अब राजस्थान रॉयल्स के साथ भी यह दिक्कत हुई। वैसे अच्छे प्लेयर है, दमदार स्पिनर है, लेकिन क्या कह सकते हैं। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, जी हाँ, शार्दुल ठाकुर भी रिलीज हो चुके हैं। शार्दुल ठाकुर का भी शानदार परफॉर्मेंस रहता है, जब भी वो आईपीएल में जाते हैं हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी जो टीम है उन्होंने जाने दिया। और साथ ही दीपक चहर, चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज स्टार गेंदबाज जिनको 14 करोड़ के आसपास खरीदा गया था, एक साल तो वो शायद खेले भी नहीं थे, लेकिन तब भी उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने जाने नहीं दिया था, लेकिन अब दीपक चहर भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रिलीज हो गए हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि रिटेंशन से ज्यादा बड़ी खबर जो इस बार आई है वो रिलीज होने में आई है, क्योंकि जब केएल राहुल ऑक्शन में जाएंगे, ऋषभ पंत जाएंगे, श्रेयस अय्यर जाएंगे, मोहम्मद शमी आएंगे, तो करोड़ों की बारिश होना तय है। तो ऐसे में जो पहली खबर, जो बड़ी खबर आईपीएल रिटेंशन से आई है वो ये है कि जो 10 बड़े नाम रिलीज हो गए हैं, और हमने आपको 10 बड़े नाम बता दिए हैं। ये जो 10 बड़े नाम रिलीज हुए हैं इस पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।